हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ या एक ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये थॉट आया कि हमारी जो विशेस होती हैं, जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, क्या वो सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो हमारी जर्नी है, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स, उसको मतलब क्या शेयर करना इट इज़ हेल्दी। देखिए, वैसे कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि किसी को आप शेयर करें, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपको डीमोटिवेशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हो, स्पेशली जब इन ये सारी चीज़ें होती हैं गोल रिलेटेड, तब ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको डीमोटिवेशन मिले एंड आपके जर्नी में ऑब्स्टेकल आए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, आपको कोई सिग्नल मिला, आप नो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपकी कोई फ्रेंड है या जो भी है आपका जानने वाला, जो आपको उसका ओरा एकदम हाई है या वो एकदम आपके आपको अफेक्ट करता है उसको उसकी बातें, अब वो आपको ऐसा बताते हैं कि नहीं यार ये सब बकवास है, ये साइन में तुम मत मानो, ये साइन गलत है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में डाल दे। एंड अगर आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, वो असर किया, तो डेफिनेटली आपकी जर्नी में वो कितना अफेक्ट करेगा, है ना। तो डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कि किसी के साथ शेयर मत करूँ, लेकिन जो आपको समझ पाए, जो इन चीज़ों में बिलीव करता है, जो यू नो ये सारी चीज़ों को खुद प्रैक्टिस करता है, जिसको खुद को ये एक्सपीरियंस है, उसके साथ आप ये सारी चीज़ें या अपने गोल्स को शेयर कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट कीप इट पर्सनल, अब अपने आप के पास ही रखिए ये सारी चीज़ें आपके अंदर, आपके वर्ल्ड में। कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक के साथ आप शेयर करें, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा जो जिसको आप बता रहे हो ना, उसके अंदर भी वो विलिंगनेस होनी चाहिए इसको लर्न करने की, इसको जानने की, इसको समझने की, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंसान किसी को कुछ शेयर करता है इसके रिलेटेड एंड उसको डीमोटिवेशन मिलता है, बेचारा वो हैरान हो जाता कि ये क्या मैं सच में पागल हूँ, तो नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसा है कि आप समझ के शेयर करो। क्योंकि मेरी कलीग में एक बार बात हुई कि इस तरह से, जब उनको पता चला कि एलो की चैनल है मेरी ये सब, तो जब उनसे बात हुई तो पता चला कि ठीक है सबके ओपिनियंस कितने अलग होते हैं, है ना। तो उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब अब वो इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली नहीं समझ रहे थे, तो सिर्फ उन्होंने किसी को अपने गोल के बारे में बताया और एकदम से उनका दिमाग ख़राब हो गया, मतलब उनके दिमाग में थोड़े डाउट्स आने लगे अपने आप पर कि यार ठीक तो है ना। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किसी के साथ शेयर करें तो मतलब आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इधर से मुझे मोटिवेशन मिल सकता है, कुछ सीखने को मिल सकता है, देन जस्ट शेयर विद देम, अदरवाइज नो नीड टू शेयर विद एनीबडी, ठीक है। ये हमारी यू नो ये हमारे इनर सेल्फ की, ये हमारी लाइफ की जर्नी है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, इसको इतना लाइटली मत लो कि आप हर एक के साथ शेयर करें या अपनी गोल के रिलेटेड सारी बातें आप बताएं। हाँ, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बाकी इज़ टोटली अप टू यू। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि यस ये चीज़ होती है, कभी कभी क्या होता है ना कि पता नहीं चलता, हम हर हमारे जानने वाले कोई फ्रेंड हो ये हो सबके साथ शेयर करते कि भी क्या करूँ, तो कभी कभी ये पता नहीं होता, रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन उसी चीज़ के कारण ऑब्स्टेकल आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसी बातें शेयर कर रहे हो, आप नेगेटिव हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप क्या हो, ठीक है। तो ये जस्ट थॉट आया कि ठीक है ये बात भी पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेट जा रहे हो अच्छे से, लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर किया या किसी ने आपको कुछ एडवाइस दी जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड आप ट्रेकआउट हो गए या आपको डाउट्स आने लगे कि यार सच में ये कोई वहम है मेरा, तो ये सारी चीज़ें ना इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बहुत सारा। तो बस यही एक चीज़ थी जो आपको बतानी थी कि सोच समझ के आप अपनी जर्नी को यू नो किसी के साथ शेयर करें एंड हाँ, जो आपके क्लोज टू वन है, जो आपको समझते हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, उसको शेयर कीजिए एंड ओके। तो यही बात थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड तब तक के लिए कीप लुकिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय टू यू।